शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तेरा मेरा गौरव, तुम हमरा गौना करवाने आओगे ना? पर अभी उसे हम अपनी दुनिया में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है महादेव। गौना से पहले वो दिखाई तो कर ले हमरे साथ। अब तो ये चेहरा वो गहना के पल्लू से ही पहुँचेंगे। वो कौन तुम जिसकी वजह से उर्वशी महेंद्र चौधरी को इंतजार करना पड़ा? महेंद्र सर के ड्राइवर। गौरव, तुम आज हमरा गौना करवाने के लिए नहीं आए, हम तुम्हें जरूर ढूंढेंगे। गौरव, प्रिंस ठीक है ना माँ? हाँ ठीक है प्रिंस, घर चलो, प्रिंस मिल गए। अच्छा हम चलते हैं। थैंक यू बेटा। जी शुक्रिया। प्रिंस, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मेरा राजा बेटा ठीक है? तुमने फिर से हमारे बच्चे को बचा लिया। ये लो तुम्हारा ही ना, लो। हम तो इतने सालों से पाल रहे हैं इसे, हमें तो एक फूटी कौड़ी भी ना मिली, और इस गांव वाले को इतनी बड़ी रिंग, अभी इतने छोटे से काम के लिए। अब तो नस काट ही लेते हैं हम। तुम सोच क्या रही हो? लो ना। धन्यवाद, लेकिन इसे हम ना ही रख सकते। ये तुम्हारा ही नाम है बेटा, लो। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और भगवान जी की मदद करके हम इनाम कैसे मांग सकते हैं? आपको पता है हमारे बापू कहते थे कि जब भी आप किसी इंसान की मदद करो तो उसे भगवान का एहसान चुकाना मानते हैं। तुम्हारे विचार बहुत नेक है बेटा। हाय राम, फिर शुरू हो गया मेरी सास का टीवी सीरियल, कब खत्म होगा ये ड्रामा? ठीक है, अगर तुम ये नहीं लेना चाहती हो कोई बात नहीं, लेकिन आज हमने प्रिंस के लिए पूजा रखी है घर में, हम चाहते हैं कि तुम उस पूजा में शामिल हो। वैसे भी तुम्हारी वजह से आज हमारा बच्चा सही सलामत हमारे पास है। तुम्हारा इस पूजा में बैठना तुम्हारा हक है बेटा। प्लीज दीदी रुक जाओ ना, मत जाओ। बेटा हम अपने नाती से बहुत प्यार करते हैं, उसका दिल टूटते हुए नहीं देख सकते। रुक जाओ ना, आओ। पूजा है, हम मना भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम यहाँ रुक गए तो गौरव को कब ढूंढेंगे? पता नहीं इतने बड़े शहर में कहाँ होगा। गजब ढाए है महादेव, अब आप ही मदद करिए।
हेलो, गाड़ी से सामान लाने के लिए किसी दूसरे ड्राइवर को बुलाना पड़ेगा क्या? तो कोई और है, पर हमका कहे ऐसा लगा कि गौरव तुम यहीं कहीं हमारे आसपास हो। एक्सक्यूज मी, क्या देख रही हो और हो कौन तुम? ओ, हम जी, हम गहना। ओ उर्वशी, बेटा ये वही लड़की है जिसकी वजह से आज तुम्हारा बेटा सही सलामत है। तुमने तो लापरवाही की हद ही पार कर दी। इस समझदार बच्ची ने इंसानियत दिखाकर प्रिंस को बचा लिया। जब भी ननन जी को डांट पड़ती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। सो व्हाट मां, कोई बड़ा काम नहीं किया और कोई एहसान नहीं किया इसने हम पर। वैसे भी हम जैसे लोगों से पैसे ऐंठने के लिए पटना का हर भिखारी यही ट्रिक अपनाता है। उर्वशी तुम बदतमीजी कर रही हो। Enough ma, फिर अपना लेक्चर मत शुरू कर दीजिए अब। प्रिंस ठीक है ना? बस उतना काफी है, मदद की ना तुमने, ये लो उसकी कीमत। Get out. Leave. इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती मेम साहब। आप रख लीजिए, हमका ना ही चाहिए। दीदी, दीदी रुको ना, मत जाओ। नहीं नहीं मम्मा, हम इनको नहीं जाने देंगे, ये मेरी बबुआन दीदी है। छोड़ो इसे, अगर तुम इसे हक करोगे ना तो इसके गंदे कपड़े की स्मेल ना तुम्हारी एक्सपेंसिव टी शर्ट खराब कर देगी। कम हियर। मैं दीदी के पास ही रहूंगा, मैं दीदी को कहीं जाने नहीं दूंगा। आई सेड लीव हर। नहीं नहीं प्रिंस, जिद मत करो, मेरी बात मानो, ड्रामा बंद करो और यहाँ आओ। प्रिंस मैंने कहा यहाँ आओ। दीदी को कहीं नहीं जाने दूंगा। बच्चों, हमने तुमका समझाया था ना कि अम्मा की बात को कभी नहीं टालते। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तो तुम भी गुड बाय बनकर उनकी सारी बातें मानो। तुम्हारी अम्मा बुला रही है ना, जाओ उनके पास। और हाँ, हम पक्का वादा करते हैं, हम तुमका मिलने जरूर आएंगे।
प्रिंस, जो मैं कह रही हूँ ना। बस उर्वशी, हर बात पे एक बच्चे को टोकना रोकना सही नहीं है। जब उनकी मन की बात समझोगी तभी उनके मन में उतर पाओगी। सीरियसली मां, अपनी ही बेटी से इतनी नफरत कि उसके आगे एक बाहर वाली गरीब अनपढ़ लड़की का साथ दे रही हैं आप? ये घमंड का चश्मा उतारो और फिर देखो मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारी औलाद की परवाह कर रही हूँ, जिसमें तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। है मुझे परवाह? जब ये खो गया था ना, तो इसके लिए मैं इसकी फेवरेट गेम्स और टॉयज लेकर आई हूँ। ये परवाह नहीं तो फिर क्या है? तुम्हारे साथ बात करना मतलब दीवार पे सर मारना, खुद का ही खून निकलेगा। सर आइए ना, बात करनी थी आपसे। मैं ये कह रही थी कि ये लड़की शहर में नहीं है और नौकरी भी ढूंढ रही होगी, तो क्यों ना हम इसे प्रिंस के लिए उसकी आया की तरह रख दें। और देखिए ना कैसा लगाव हो गया है प्रिंस का इसके साथ। लो, हो गया बंटाधार। अब इस चूहे के लिए ये सड़क छाप आया भी रखी जाएगी। अगर हम कुछ मांगते हैं तो तानों के सिवा और कुछ ना बरसता इनके मुंह से, लेकिन अपनी नाती के लिए सारी सुख सुविधाएं। What? आया, वो भी ये एक अनपढ़ लड़की? बिल्कुल नहीं माँ, अगर प्रिंस इस लड़की के साथ दो दिन रहेगा ना, तो ये लड़की प्रिंस को बिल्कुल अपने जैसे बना देगी, and that I cannot afford. और वैसे आप इसे जानती कितना है जो प्रिंस की जिम्मेदारी इसे दे रही हैं आप? नो वे, मैं प्रिंस के लिए एक एजुकेटेड, एक अच्छी आया चाहती हूँ, जो उसे क्लास और स्टेटस के बारे में सिखा सके, समझा सके। ये बहन जी नहीं। और क्या सिखाओगी तुम आया को? क्या बताओगी? क्या जानती हो अपने बेटे के बारे में? बच्चे पालने के बारे में क्या जानती हो तुम? कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। माँ, अगर मुझे ही सब कुछ करना पड़े, आया को समझाना पड़े कि क्या करना है, तो फिर नानी रखने का फायदा क्या है? किस बात की सैलरी लेगी वो? तुम महान, तुम्हारे विचार महान। हमें और हमारी नाती को बख्शो। अगर नौकरों के भरोसे बच्चे पलने लगे ना, तो हो गया दुनिया का कल्याण। तुम जाओ, अपने घमंड, अपनी ईगो को संभालो, हम अपने नाती को संभाल लेंगे। जाओ। देखा पापा? बेटा, क्या तुम हमारे यहाँ नौकरी करोगी? क्या तुम प्रिंस की आया बनकर हमारे घर में काम करोगी? काम? शहर में जीने के लिए काम तो चाहिए ही, लेकिन अगर ये नौकरी में फंस गए तो गौरव को कहाँ से ढूंढेंगे? आज यहाँ पूजा भी है, अब करे तो क्या करे? वो आज आपके घर में पूजा है ना, तो हम पूजा तक रुक जाते हैं और ये नौकरी के बारे में थोड़ा सोचकर बताएं। ठीक है बेटा। ये सुपर वुमन दीदी मेरे साथ ही रहेंगी। ये चलो दीदी, मैं आपको घर दिखाता हूँ। आओ दीदी। पछताएंगी आप, याद रखिएगा। चलो दीदी, मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। तेरा मेरा गाना है, तेरा मेरा।
लेके चलता है। गौरव, हमें ऐसा काहे लग रहा है जैसे गौरव था यहाँ। बिल्ली, दीदी, बिल्ली, चलो चलो चलो। मतलब? अरे रोज यहाँ आकर इस जगह फंस जाती है, कितना मना करता हूँ मानती ही नहीं है। बैड गर्ल है तू, अब कैसे बचाऊँ तुझे? बचुआ, तो हम यहाँ काहे आए? महादेव भेजे हैं हमका, तुम्हारी शक्ल देखने थोड़ी आए हैं यहाँ। हम कुछ करते हैं, तुम चिंता मत करो। बचवा, तुम यहाँ आओ, यहाँ रहना। इलो, ये हमरा पर्स ले लो। देखिए हमारे घर में आई है एक को मंकी वुमन। खा वुमन? ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मंकी वुमन दीदी, मंकी वुमन। ये कौन सी वाला है? ये क्या हो रहा है झुमकी? और तुम, माँ ने तुम्हें प्रिंस की देखभाल करने के लिए अपॉइंट किया है या ये सब कर्तव्य दिखाने के लिए? अरे मेम साहब, ये देखिए ना, ये बिल्ली का बच्चा, इका बचा रहे हैं हम। देखा मम्मा, मेरी सुपर वुमन दीदी कितनी स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट है। स्मार्ट नहीं, बेवकूफ है। गवारपन की सारी हदें क्रॉस कर दी इसने आज। और तुम इसके साथ अगर रहे ना तो ये तुम्हें बिल्कुल अपने जैसे बना देगी। यहाँ आओ, कम हो, यहाँ आओ। ये मॉम डैड भी ना, पता नहीं कैसे कैसे जाहिलों को यहाँ नौकरी दे देते हैं। चलो साहब, प्रिंस, अरे मैम साहब, अरे लीजिए फ्रेंड्स, इस मंकी वुमन का तो काम खत्म। उर्वशी मैडम की नजरों में आ चुकी है, अब तो इन्हें भगवान ही बचाए। झुमकी के लाइफ में इस हीरो के ऊपर उस मंकी वुमन का दुपट्टा आ चुका है। अब आप लोग नीचे डब्बे पे टिप्पणियां कीजिए
क्या ये हीरो उस मंकी वुमन को बचा पाएगा कि नहीं? बड़ा ही फिल्मी सीन है जी, फुल्ली रोमांटिक। किसको बचा पाएगा? वो झुमकी क्या मेरी ग्रीन टी दार्जिलिंग से खुद चलकर आएगी? हाँ उर्वशी मैडम अभी आए। फ्रेंड्स हम आप लोग को नेक्स्ट लाइव वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। आए अरे हेलो, तुम्हें अपना काम करने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? मैडम जी ये लड़की कौन है जो ऊपर चढ़ी हुई है? मैं तुम्हें चलती फिरती डायरेक्टरी लगती हूँ जो आते जाते लोगों का इंट्रो दूंगी तुम्हें। हाँ काम करो अपना। सॉरी। अरे हे महादेव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं उर्वशी मैडम का चक्कर कब खत्म होगा। इनके कारण गहना को भी ढूंढ नहीं पाए। इतनी देर हो गई है ना जाने कहाँ होगी वो। अम्मा को पता चल गया कि हम अभी तक गहना को ढूंढ नहीं पाए तो खाल उधेड़ देगी हमारी। हे भोलेनाथ अब आप ही हमारी कोई मदद करिए। हमें ऐसा काहे लग रहा है कि गौरव यहीं कहीं आसपास है। महादेव अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें संकेत दीजिए, हमका कोई तो संकेत दे दीजिए। हम गौरव के नाम का सिंदूर अपनी मांग में बहुत जल्द सजाएंगे। क्या नाम? साथ रहने का वादा तो हम सालों पहले दे चुके थे गौरव, लेकिन अब उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।